कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई है फिर रेड से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है प्रैंक ऑन यश चौधरी एक्स गर्लफ्रेंड। हाँ यार, बहुत मुश्किल से यश के फ़ोन से उसका नंबर मैंने उठाया और उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। तो इस वीडियो के जो रिएक्शन होने वाले हैं, क्यों हुआ था उनका ब्रेकअप, क्यों वो अलग हुए, फलाना ढिकाना, 100 तरीके की जो भी सारी बातें ना, वो आपको इस वीडियो में आज पता लग जाएगी। तो बंदी को कॉल करके पूछती हूँ, बंदी कहाँ पहुँची है। यार वो बंदी ना बहुत गुस्से वाली है, तो इसके जो रिएक्शन है ना, वो पता नहीं कैसे हो गए, मुझे नहीं पता। हेलो, एक तो यार प्लीज जल्दी आओ, मेरे को शूट भी करना है फिर, है ना। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, पता है कहाँ पे आना है, जो गेट नंबर 7 के सामने वाली पार्क है ना, सेंट्रल पार्क। हाँ वही वही सेंटर कर लेना, मैं सामने ही हूँ बिल्कुल, है ना। ओके ओके, 5 मिनट। ठीक है। यार बंदी 5 मिनट का टाइम ले रही है और 5 मिनट में आने वाली है, वेट करते हैं थोड़ा, वेटिंग टाइम 5 मिनट। कैमरा हाइड करके रखना है यार, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं फंसी ना तो बहुत मार पड़ेगी, सच में तुझे पड़ेगी मेरे साथ। हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट पोकर साइट के बारे में, जिसे मैंने पहले भी कई बार देखा है। इसका नाम है पोकर पेयर और ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट रियल क्वालिटी पोकर प्लेटफॉर्म है। तो अब मैंने ये क्यों डिसाइड किया है कि आपको इस साइट के बारे में बताऊं, क्योंकि पोकर पेयर के पास अपने बेस्ट और खास क्वालिटीज है, जैसे गुड क्लाइंट्स, अमेजिंग कस्टमर सर्विस एंड रेपुटेशन और री अप्रोच। आई मीन पोकर पेयर हमेशा फ्री रहता है चिटिंग स्कैंडल से, जो आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोकर वर्ल्ड में। ये साइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है पोकर बिगनर्स के लिए, पोकर प्रो गेमर्स की तरह। और ये मुझे खुद इस साइट का इंटरफेस और सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये ऑफर आपको करती है ऑसम वैरायटी ऑफ कैश टूर्नामेंट्स, वो भी 24 आवर्स डेली, तो है ना यार कितना कूल। पोकर पेयर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसका जो पेमेंट सिस्टम है ना, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और फास्ट है। पोकर साइट पर आपको बहुत सारे यूजर्स आपको मिल जाते हैं, फिर भी आप अपने आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो विद योर पेटीएम, स्क्रिल, विकास एंड नेट ट्रेलर। मेरी मानो तो आप बहुत ही ज्यादा ये कंफर्टेबल है सबके लिए। और एक खास बात, पोकर पेयर में आप साइन अप के लिए पासपोर्ट या कोई और डॉक्यूमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड बना लो, साइन अप हो जाएगा यार बहुत ही इजिली। तो आपको क्या करना है, आप रेडी हो जाओ अपना बेस्ट देने के लिए इस ग्रेटेस्ट पोकर साइट के लिए। अगर मैं आपको कन्वेंस नहीं कर पाई तो यार आप खुद से ही ट्राई कर लो, आई एम श्योर आपको ये खुद ही पसंद आ जाएगा पोकर पेयर। तो वेट किस बात का गाइस, इसे कल पर बिल्कुल मत छेड़ो, आज से ही शुरू कर दो और कल आप रिच बन जाओगे पोकर पेयर खेलकर। और गाइस, आपको आपके लिए स्पेशल प्रोमो कोड है, वो $1 फॉर फ्री पोकर पेयर 2020। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो पोकर पेयर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। हाय एकता, हाउ आर यू? फाइन। टाइम मिल गया था यार आने का, इतना टाइम लगा दिया। सॉरी वो मेट्रो में थी ना इसलिए। यार आजकल तो मैंने सुना है मेट्रो भी बहुत ज्यादा बंद है। हाँ, हाथ मिलाना और हग करना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। और बी सेफ यार। और बताओ कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है? चल रही है, क्या बताऊँ। सैड सी लग रही हो, क्या हो गया? ब्रेकअप हो चुका है ना। वो तो बहुत टाइम हो गया यार, अभी तो मूव ऑन कर चुकी होगी जिंदगी में। अब तो कर लिया मूव ऑन। और यश क्या बता, आज भी यश के नाम से स्माइल आ रही है चेहरे पे, है ना। यार लड़का बहुत अच्छा है वैसे। पता है कल रात को उसने थोड़ी सी ना पी ली थी, तो उसने मैंने बहुत सारी चीजें निकलवाई और उसके फोन से तुम्हारा नंबर लिया था। क्योंकि यार हम लोग ना सोच रहे थे आगे की प्लान करने के लिए साथ में, और बट वही है ना कि अगर आगे के लिए प्लान करते हो ना, पिछली चीजें ना पता होनी चाहिए इंसान को। तो पिछली जिंदगी में उसके क्या हुआ, क्यों ब्रेकअप हुआ, होता है ना बंद। यार हर किसी में कमियां होती हैं माना, लेकिन कुछ तो ऐसी मेन वजह होगी ना जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। क्या है वो एक्चुअली ना, जब हम रिलेशन में थे साथ में, तो उसकी सैलरी सिर्फ 50,000 थी और वो मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा था, बस इसलिए। बट यार तुम्हें ऐसा लगता, तुम्हें खुद पे डिपेंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, अपने बॉयफ्रेंड पे डिपेंड ना। आजकल कल तो यार लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट है ना, खुद पे डिपेंड रहती है, अपने बंदों पे तो रहती ही नहीं है। हाँ, होता है, सीरियसली कमिटेड है, और हम अगर रिलेशन में आए तो सारे खर्चे तो उसे मेरे उठाने ही पड़ेंगे ना, पर वो इतना नहीं कर पा रहा था इसलिए। उसने मुझे बताया रात को पी ली थी, तो उसने मुझे बताया था कि 15,000 की जॉब करता था, प्यूमा में था, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी लड़की, और उसके ना जो खर्चे थे ना, मैं उसको झेल नहीं पा रहा था, तो फिर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उसने मुझे छोड़ दिया। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा, ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कहा यार मतलब बंदी ने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया यार, सीरियसली। मतलब हम मूवीज़ में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं ऐसा कि दिल्ली की लड़की ऐसी होती है, बट मुझे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
तुमने ऐसा क्यों किया यार उसके साथ, वो इतना अच्छा लड़का है, मेरी आगे भी लाइफ है और मुझे लगा कि वो मेरी लाइफ में आगे भी साथ देगा मेरा, तो उसे मेरे खर्चे अभी से उठाने पड़ेंगे कि आगे जाके उसे प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी ना आए। और क्या प्रॉब्लम्स थी तुम्हारे बीच, क्योंकि यार सारी चीज़ें ना क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे का प्लान कर रहे हैं हम साथ में, तो होता है ना हर चीज़ जानने का हक है मुझे। अब कुछ नहीं, और कुछ नहीं था हमारे बीच, बस उसमें इतना है ना उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बस यही चीज़ है। और चैट करो तो फिर यही है कि वो मेरे में ही कमियाँ निकालने लग जाता है, और फिर उससे ऑनलाइन ना हो तो फिर बोलेगा कि ऐसे करते हो आप मेरे साथ, फिर ब्लॉक कर देता है, कॉल करो कॉल भी नहीं उठाता बीच में, बस ये भी बहुत प्रॉब्लम। बट यार 6-7 महीने से मैं यश के साथ हूँ, एज अ फ्रेंड साथ हूँ, मैंने उसे देखा है कि वो दोस्तों के लिए भी इतना इनसिक्योर है। अभी हम होली की पार्टी पे गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बंदा मुझे ऐसे देख रहा था घूर के, तो मतलब बंदे ने बोला मुझको कि वो बंदा वॉशरूम में जाके छुप गया, जेंट्स वॉशरूम में, और बंदा मुझे धक्के से जेंट्स वॉशरूम में घुसा के उसका कॉलर पकड़ के बाहर लेके आया है। समझ रहे हो बहुत इनसिक्योर है वो लेके। पहले अब ऐसा होगा, पहले ऐसा नहीं था यश, इसलिए बहुत प्रॉब्लम थी हमारी। बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुमने गलत किया यार उसे छोड़ के सिर्फ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए? यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर आगे भी मेरी लाइफ है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए था ना उसको, हो सकता है वो स्टेबल हो जाता अपनी लाइफ में और प्यार करता था यार तुमसे, प्यार की कदर। सिचुएशन में हमें कुछ समझ ही नहीं आया अब मैं क्या करती, और तुमने इंस्टेंट उससे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें पता है उसकी सिचुएशन कैसी रही थी इतने टाइम? उसने मुझे रात को सब बताया कि मैं उस एकता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत केयर करता था उसकी, बट सीरियसली यार तुमने ना अच्छा नहीं किया यार एकदम, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। यार बंदा कितना रोया रात को भी, ना शर्म आनी चाहिए यार वैसे तुम्हें ना, सीरियसली आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें बुलाया, तो यार फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था उसको। यार होता है यार ऐसा होता है, हर केस में होता, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेरे साथ है, और भी लड़कियाँ ऐसा करती है, पर आप सिर्फ मुझे ही बोल रहे हो, कहीं ना कहीं यश की भी तो गलती होगी। यार यश की गलती होगी मैं मानती हूँ, लेकिन 15,000 की जॉब करता था अगर वो प्यूमा में, तुम्हें उसे छोड़ना ही चाहिए था, एटलीस्ट उसे थोड़ा सा वक्त तो देना चाहिए था, वो स्टेबल हो जाता अपनी ज़िंदगी में, करता तुम्हारे लिए कुछ, अगर प्यार करता ना इंसान सब करता है उसके लिए। आई नो, मुझे पता है सब करता है, लेकिन जब दो लोग रिलेशन में आते हैं और जब उनके बीच में कुछ ना कुछ होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान की गलती हो, सामने वाले की भी गलती होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है यश बता रहा था रात को कि एकता बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेज करती है मुझे, अब मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, अब ऐसा क्यों? शायद वो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, आज वो यूट्यूबर है, एक बहुत अच्छा डिजर्व करता है, फैन फॉलोइंग है उसकी इतनी ज़्यादा तगड़ी, फैन फॉलोइंग है, लोग इतना प्यार करते हैं, तो यही रीज़न है तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो? हाँ यही रीज़न। मतलब जब वो कुछ नहीं था तो तुम उसे छोड़ के चले गई, 15,000 की जॉब करता था जब वो प्यूमा में, और आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पे है, तो तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो? मुझे लगता है कि वो पहले शायद मेरे लायक नहीं था, और अब शायद वो मेरे लायक हो, इसलिए। बड़ी घटिया सोच है यार तुम्हारी एकता, सीरियसली ऐसे मत बोलो यार, मैं ऐसे ही बोलूंगी ना, सच बोल रही हूँ यार, तुम जैसे लड़कियों को ना वैसे ना गोल्ड डिगर नाम देते होते हैं पता है लोग, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मिलने के लिए बुलाया था, बट तुम्हारी जो सोच है ना मेरे को लगा। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, यश तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता है सच्ची में? हाँ, उसने मुझे ये बोला कि उससे रियलाइज है एकता को उसकी गलतियाँ। कर सकती हो तुम उससे बात, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा था कि आ जाऊंगा मैं उसकी ज़िंदगी में, वापस आऊंगा, रहूंगा उसके साथ, उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज है, लेकिन लेकिन मैं उसको तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने ही नहीं दूँगी। क्यों? क्योंकि तुम गोल्ड डिगर हो ना, तो क्या हो एक गया? एक गोल्ड डिगर लड़की आज इसको छोड़ती है तो अगले दिन उसको पकड़ती है, ये सीन रहता है। अब मैं पैसा ना करूँ, अब ऐसा क्या हो गया, अब क्या हुआ, अब तो वो यूट्यूबर है, बहुत अच्छे लेवल पे है, तो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, वाओ ग्रेट। पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए तालियां बजानी चाहिए, बजाऊं? बस अब इतना मत करो प्लीज, सही बता रही हूँ मैं, और मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ना मजाक करने के लिए बुलाया था छोटा सा, मुझे लगा कि हाँ यश अगर तुम्हें अभी उस अपनी गलतियाँ रियलाइज है ना, तो हो सकता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना यश को ले आती, लेकिन सीरियसली तुम ना यू डोंट डिजर्व इट यार, तुम लायक नहीं हो, तुम जैसी ना लड़कियां ना लायक ही नहीं होती, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं सुनना, तुम सुनने लायक ही नहीं हो, बस हो गया, इसीलिए बुलाया था मैंने, बस हाँ यही बुलाने के लिए, यही करना था, मुझे जानना था तुम्हारी आज भी सोच बदली है या सेम वही गोल्ड डिगर वाली, जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ। हाँ यही तो रीजन है, इससे तुम्हें कभी प्यार नसीब नहीं होगा। हाँ कोई बात, कभी प्यार मिले ना तो उसकी कदर करो, ये हरकतें मत करो प्लीज, पैसों के लिए छोड़ दिया यार, शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू, रहूंगी मैं उसके साथ, ठीक है फिर रहूंगी, रहो फिर, रह रही हूँ ना अभी, तो तुम बोल रही थी अभी बैठी थी प्यार करती हूँ ये करती हूँ, अब क्या हो गया, अब बोल रही हूँ ना, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ,
तुम जैसे लड़कियां ना लायक ही नहीं होती. ओके ठीक है, थैंक यू. ठीक है, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. मिलियन पे भी हम साथ में जाएंगे, तब क्या करोगी? जाओ ना, रोका किसने? अच्छी बात है, अच्छा लगे. प्लीज आज के बाद मेरा मेन मकसद तुम्हें बुलाने का यही था, उसे कॉल या मैसेज करना बंद करो. करूंगी भी नहीं. हाँ, और ये उससे अच्छा लगे दिखाऊंगी तुम्हें. अच्छा, उससे अच्छा कोई है नहीं. दो पूरी ला सकती हो, अच्छा गुड लुकिंग लड़का ला सकती हो, बॉडी बॉडी वाला लड़का ला सकती हो, लेकिन प्यार करने वाला नहीं मिलेगा. यूज पूरी कायनात भाई सुन, हाँ वो मेरे लिए तो सब कुछ है, तेरे लिए कुछ है या नहीं है? हाँ. तुम जैसी लड़कियां ना, तुम्हारी लालची आंखों में ना तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है. और तुम्हारी ना किस्मत ही गया है यार, तुमने उसको ठुकरा दिया. हो गया, वो ठीक है. नहीं नहीं, उसको मत बोल, तू है. पैसों से तुझे प्यार है, उसको नहीं है. कोई बात तुझे नहीं, पैसों से हाँ, तू देख, तू दूसरा लड़का देख, कोई दिक्कत नहीं है. जब यूज करेगा देखूंगी मैं भाई, गाड़ियों में घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ होगा उसके बाद, लेकिन प्यार नहीं देगा. क्यों नहीं? सिर्फ चार दिन बेड पे जाके वो सब प्यार खत्म हो जाएगा, समझी? जरूरी नहीं है. मुझे लगा तुझे रियलाइज होगा, जिसम से ही है. तेरी जैसी लड़कियों के लिए तो यही है यार, एक्सपोज नहीं करना चाहती तुझे, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, कैमरा लगा हुआ था, कैमरा लगा हुआ था सामने ही, मेरा कैमरा मैन है, और मैं सिर्फ ये चीजें ना रिकॉर्ड कर रही थी. उसे दिखाओगे? उसको नहीं दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी, यूट्यूब पे दिखाऊंगी. तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं. पता लगेगा ना लोगों को कि कैसी होती है लड़कियां. कुछ चंद लड़कियों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं कि दिल्ली की लड़कियां ऐसी है. अरे यार, पता फीलिंग्स भी देखेंगे ना वो. फीलिंग्स क्या देखेंगे? वो तो लोग कमेंट, वो रहा सामने कैमरा, वो तो लोग कमेंट करके बता ही देंगे, बता देंगे कौन सही है कौन गलत है. कुछ चंद लड़कियों की वजह से ना, तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना दिल्ली की लड़कियां बदनाम हो जाती है. दिल्ली की लड़कियां, एक काम कर, निकल चल, इसलिए बुलाया था. हाँ निकल, चल सामने चल, चल लायक नहीं है तू, यूज एंड थ्रो. ठीक है, हाँ ठीक है, बाय बाय, निकल.